हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड कमेंट एंड शेयर वीडियो। तो आज का जो टॉपिक है, हमें कैलकुलेट करना हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट इन जूस हीटर, ठीक है, या फिर कहेंगे ऑफ जूस हीटर। यहाँ पे होगा ऑफ जूस हीटर, ठीक है। तो हमें कैलकुलेट करना है हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट ऑफ जूस हीटर, ठीक है। और गिविन क्या क्या है कि प्लांट की कैपेसिटी हमें दी हुई है, प्लांट की कैपेसिटी दी है 5000 TCD, एग्जॉस्ट स्टीम जो टरबाइन से हमारी स्टीम आ रही है, बैक प्रेशर टरबाइन है, उससे डायरेक्ट स्टीम जो आ रही है एग्जॉस्ट स्टीम, उसका टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड, और जूस हीटर के जो इनलेट टेम्परेचर और इनलेट जूस इनलेट हो रहा है जूस हीटर में, वो 70 डिग्री का हो रहा है, और जो आउटलेट टेम्परेचर मतलब बाहर निकल रहा है जूस हीटर से, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड का है, और जूस हीटर का हीटिंग सरफेस एरिया हमें दिया हुआ है 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट जूस फ्लो रेट, ठीक है, क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो जूस फ्लो कैलकुलेट करने के लिए कैपेसिटी हमें दी हुई है 5000 डिवाइड बाई 24 करेंगे तो ये हमारे पास में आ जाएगा TCH 208.33 TCH, इसको हमने मान लिया 210 TCH, ठीक है। अब हमारे पास मिक्स जूस परसेंट केन कितना होगा, 120, तो 116 से 120 रहता है। 120 इसलिए लेते हैं कि हमारा कुछ इम्बिबिशन भी होता है, इम्बिबिशन होता है इसीलिए हम 120, 110 या फिर 116 हम एज्यूम करते हैं, क्योंकि ये तो प्योर जूस हो गया और इम्बिबिशन करने के बाद में जो जूस हमारा 120% हो जाएगा, ठीक है। तो हम टोटल जूस निकालेंगे 210 का 20%, तो हमारे पास आ जाएगा 252 टन पर आवर, ठीक। ये तो हमारे पास जूस की क्वांटिटी आ गई, ठीक है। अब हम निकालेंगे फ्लो रेट निकालने के लिए हम जूस की डेंसिटी से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए जूस की डेंसिटी कितनी होती है, वो होती है 1.06 टन पर मीटर क्यूब। टन यहाँ दिया तो टन पर मीटर क्यूब ले लिया, अगर यहाँ पे मान लो केजी दिया हो तो यहाँ पर 1060 केजी ले लेते, ठीक है। तो हम इससे डिवाइड कर देंगे तो जूस फ्लो रेट की वैल्यू आ जाएगी 252 डिवाइडेड बाई 1.06, तुम्हारे पास आ जाएगी 237.73, इसको हम मान लेंगे 238 मीटर क्यूब पर आवर, ठीक है। अब हम जानते हैं एक फार्मूला होता है, ये हमारे जूस हीटर में क्यू इंटू सी डेल्टा टी बराबर एस इंटू के इंटू डेल्टा टी मीन। तो क्यू हमारा फ्लो रेट हो गया, सी हमारा स्पेसिफिक हीट हो गई, और डेल्टा टी हमारा डिफरेंस हो गया इनलेट और आउटलेट का, एस हमारा क्या होगा हीट ट्रांसफर हीटिंग सरफेस एरिया, के हमारा क्या कोफिशियंट जिसको हमें फाइंड करना है, डेल्टा टी मीन। पहले हम डेल्टा टी मीन निकालेंगे, ठीक है। तो डेल्टा टी मीन निकालने के लिए फार्मूला होता है, देखिए डेल्टा टी मीन निकालने के लिए डेल्टा टी मीन बराबर होता है डेल्टा इनलेट टी इनलेट माइनस डेल्टा टी आउटलेट डिवाइडेड बाय लॉग डेल्टा टी इन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी आउट, ठीक है। अब डेल्टा टी को हम क्या करेंगे, मतलब एक्सपेंड कर लेंगे, तो टी माइनस टी इन, ये टी हमारा है एग्जॉस्ट टेम्परेचर जो हमारा बैक प्रेशर टरबाइन से आ रहा है एग्जॉस्ट, ठीक है, माइनस टी आउट डिवाइडेड बाय लॉग टी माइनस टी इन टी माइनस टी आउट, ठीक है। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करने के बाद में टी माइनस टी इन माइनस टी और प्लस टी आउट, टी से टी काट दिया तो हमारे पास में बचा टी इन माइनस का और टी आउट प्लस का, नीचे सेम रहेगा तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एम जो आ जाएगा टी आउट माइनस टी इन डिवाइडेड बाई लॉग टी माइनस टी इन डिवाइडेड बाई टी माइनस टी आउट। देखिए टी आउट की वैल्यू हमारी कितनी, आउटलेट है 70, टी इनलेट हमारा सॉरी टी आउटलेट 100 है और 70 हमारा इनलेट टेम्परेचर है लॉग, और ये हमारा एग्जॉस्ट टरबाइन है, टरबाइन का एग्जॉस्ट माइनस 70 और 120 माइनस 100, ठीक है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे तो 30 डिवाइड बाई लॉग 50/20 आ जाएगा, तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 75.38 डिग्री सेंटीग्रेड, ये डेल्टा टी एम की वैल्यू आ गई। अब हम कैलकुलेट करेंगे हीट ट्रांसफ़र कोफिशियंट, तो इसका जो वो होता है फार्मूला के बराबर क्यू सी डेल्टा टी, इस ये जो फार्मूला था ये यहाँ से के की वैल्यू निकाल दी एस इंटू डेल्टा एम, ठीक है, क्यू सी डेल्टा टी एस के इंटू डेल्टा एम, यहाँ को हम इससे एस की वैल्यू निकाल लें, ये 238 मीटर क्यूब पर आवर में दिया हुआ है, ठीक है, ये फ्लो में मीटर क्यूब पर आवर दिया, इसको हम के जी में कन्वर्ट करेंगे, तो के जी में कन्वर्ट करने के लिए 10^3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारी सी की वैल्यू दी है और ये हमारा डेल्टा टी जगह 100 माइनस 70
और ये डिवाइडेड बाई हीटिंग सरफेस एरिया, और डेल्टा टी एम हमने निकाल दिया। ठीक है, अब इस सबको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में 84.16 किलो कैलोरी पर केजी पर आवर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ गया।